विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा आगामी 18 सितंबर को मैक कॉलेज में सिंधी संगम समारोह करने जा रही है। संगम समारोह में समाज के नौ रत्नों का सम्मान भी किया जाएगा। समारोह में समाज के वरिष्ठजनों द्वारा युवाओं के सुदृढ़ भविष्य के लिए भाषा संस्कृति के विकास, राजनीति में योगदान, संवैधानिक सेवाओं की ओर आवश्यक कदम, कला, साहित्य, शिक्षा, सनातनी धर्म, व्यापार आदि में योगदान विषय पर अनुभव साझा किया जाएगा। कार्यक्रम में सिंधी समाज के इकलौते इंदौर के सांसद शंकर लालवानी राजनीति में योगदान विषय पर अपना अनुभव साझा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी रवि टेकचंदानी युवाओं में सुदृढ़ भविष्य के लिए भाषा संस्कृति के विकास पर अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इस संस्था की ब्रांचेस लगभग 75 देशों में है और कई प्रकार के मानव सेवा, सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवाएं करती आ रही हैं। हमारे युवा जो कि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने हमारे संत शिरोमणि साईं युधिष्ठिरलाल महाराज जी के आह्वान पर किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सही राह। इस कार्यक्रम का नाम ही है युवा देश का भविष्य। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे इंदौर के सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी उपस्थित रहेंगे और हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डॉक्टर रवि टेकचंदानी जी उपस्थित रहेंगे एवं कई यहां के रायपुर शहर के हमारे प्रदेश के राजनेता उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम में हम सिंधी समाज के नवरत्न जिन्होंने अथक प्रयास, अथक सेवाएं किए, उनका सम्मान करेंगे। कई सिंधी समाज की हमारी जो संस्थानें हैं उनका भी सम्मान होगा। मैं चाहूँगा कि हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाए। आप सबको पूरी विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से मैं तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मैं राहुल खूबचंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व सिंधी सेवा संगम युवा शाखा। देखिए, 18 तारीख जो है रविवार का हमारा जो कार्यक्रम है, प्रमुखता जो है युवाओं को एक दिशा देने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है युवा देश का भविष्य। इसमें जो हमारे VIP हैं, मुख्य अतिथि जो हैं शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर, प्रमुख वक्ता जो हमारे रवि टेकचंदानी जी जो इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे, संत युधिष्ठिरलाल जी हमारे आशीर्वादक हैं। हमने सारे प्रदेश और पंचायतों को तथा मतलब जो है समाज को इसमें आमंत्रित किया है कि आइए और मनन चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, हमारा समाज आज तक व्यापार व्यवसाय में आगे रहा है, लेकिन हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी है और समाज की सेवा भी करनी है। इसे तो हम क्या कर सकते हैं, मेन जो है इस बात के ऊपर फोकस होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि सिंधी समाज के कार्यक्रम में लोग अगर कहते हैं कि यह कार्यक्रम कुछ लेट होता है, तो हमने वक्त की पाबंदी अपनी पहली टैगलाइन रखी है। हमारा यह कार्यक्रम 11:02 पर राइट स्टार्ट हो जाएगा। 11:05 अगर आप घड़ी देखते हैं तो आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं सारे समाज से, सारे अतिथियों से, सारे दर्शकों से ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि समय का ख्याल करते हुए आए। 11:00 राइट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 11:02 पर जो है आप मंच पे होंगे और सारे के सारे दर्शक आपके सामने होंगे। अमित जीवन, मैं विश्व सिंधी सेवा संगम का अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम के लिए, मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए। इस प्रोग्राम की मेन रूपरेखा हम लोगों का विश्व सिंधी सेवा संगम ये करना चाहता है कि आप सांस्कृतिक प्रोग्राम जो कि हम लोग कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। मैं किरण ठाकुर विश्व सिंधी सेवा संगम की अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं विश्व सिंधी सेवा संगम का, उसकी मैं संरक्षक हूँ राधा राजपाल। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि युवा पीढ़ी आगे आए और उसके अलावा पढ़ाई, राजनीतिक, नशा मुक्ति ये सब रहे कि नशा न करें बच्चे, पढ़ें आगे और राजनीति में आएँ और अपने बड़ों का हाथ बटाएं यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो। हमारा ये कार्यक्रम है जिसमें रवि टेकचंदानी जी जो बोलेंगे, स्पीच देंगे, एक टक आप पलक भी नहीं झपक पाओगे क्योंकि उनकी स्पीच इतनी अच्छी है। इसके लिए हमने उनको इनवाइट किया है और कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा फल हमारे युवा पीढ़ी को मिलेगा। जय झूलेलाल। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.